आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ इन्वर्टर बैटरी गेट डिस्चार्ज, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज कैसे हो जाती है। एक कॉमन माइंड कहता है कि इन्वर्टर चार्ज कर रहा है फिर डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो एनर्जी कंजर्व है, प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, और एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि आई कहाँ से। प्रॉब्लम ये आई कि जब हम लोग पढ़ा करते थे सर्किट में, ये सर्किट थी, ये एक सर्किट थी माइनस प्लस, ये एक बैटरी हुआ करती थी। तो अगर इस सर्किट में हम कुछ लगा देते हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये एक बल्ब है, कुछ भी मान लीजिए, ये बल्ब है और ये इस तरह से एक सर्किट है, तो याद होगा हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो करंट है वो आउटसाइड द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, इस प्लस से करंट आई बाहर निकलेगा और ये करंट आई आगे जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस में आई करंट जाएगा, फिर इस बल्ब में जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए ये करंट क्या हो जाएगा, वापस बैटरी में चला जाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, 4 एम्पीयर का करंट अगर इस बैटरी से निकलता है, यहाँ से 4 एम्पीयर और 4 ही एम्पीयर वापस चला आया बैटरी के अंदर, जितना करंट एग्जिट हुआ, जितना करंट इमिट किया बैटरी ने, उतना ही करंट वापस आ जाता है। एक सर्किट डायग्राम ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। तो फिर जब सारा करंट जो निकल रहा है वापस चला जा रहा है, तो फिर बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है, डिस्चार्ज कैसे हो जाती है बैटरी, भाई करंट ही तो यूज करते हैं ना, और करंट तो हमको वापस मिल गया। ये एक्साइड की बैटरी को इन्वर्टर बैटरी है, प्लस टर्मिनल से हमने मान लीजिए वायरिंग हुआ, कुछ ले लीजिए, बल्ब जला लिया, कुछ और भी कहीं होते हुए वापस चले गए, ठीक है, कुछ और मान लीजिए। एक सर्किट डायग्राम है ये, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से होते हुए ये करंट जो है वापस चला गया बैटरी के अंदर। तो प्रॉब्लम ये हुई, कॉमन माइंड क्या कहता है कि ये करंट आई निकलता है, आई ही बैटरी में वापस चला जाता है, बैटरी वही, पानी वही, सब कुछ वही है, अभी भी बैटरी सामने दिखाई पड़ता है, उसमें पानी रहता है, ठीक है, और फिर करंट भी दिखाई पड़ रहा है, वापस चला आ रहा है, जितना आई बैटरी ने इमिट किया उतना निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाता है। तो फिर बैटरी डिस्चार्ज होती कैसे है, क्या चीज़ है जो गायब हो जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर करंट इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, यानी कि चार्ज जो है, करंट क्या है, नथिंग, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज में मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकला और वापस पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन चला गया, या करंट निकला करंट एंटर कर गया, तो फिर बैटरी डिस्चार्ज होती कैसे है, तो जितना आपने चार्ज को इमिट किया, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, वापस इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर आ जा रहे हैं, तो बैटरी वही है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी घूम के आ जा रहे हैं, उसमें पानी भी है, अभी ड्राई नहीं हुआ है, पानी ने भरा है पूरा फुल, तो फिर वो सारे करंट गया कहाँ, नहीं कैसे डिस्चार्ज हो गए बैटरी, कैसे हुई। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम किसी इन्वर्टर बैटरी को, किसी बैटरी को जब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए बैटरी है, इसको हम जो है किसी सर्किट से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता, चार्जिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। ये बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम होती है, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना चार्ज कंजर्व होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, बस ये सर्किट जो होता है हमारा, जो सॉकेट होता है, जो घरों में 220 वोल्ट लगा के, 220 वोल्ट जो लगा के हम लोग ऑन करते हैं, एक प्लग लगा के ऑन कर दिया, तो वहां से क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिकल हो जाते हैं और एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते रहते हैं, यानी दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी खत्म हो चुकी है, बैटरी फुल डिस्चार्ज हो चुकी है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है इस सर्किट से, और जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिकल हो जाते हैं तो बैटरी क्या हो जाती है, फुल चार्ज हो जाती है, कुछ नहीं होता बैटरी में, सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन को, इन चार्ज को एनर्जी मिल जाती है और ये एनर्जी लेके बैठे रहते हैं, और जब भी करंट ऑन करते हैं बैटरी से तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे और करंट उल्टा ऐसे, इलेक्ट्रॉन इधर करंट इधर, ठीक है ना, जस्ट उल्टा। एक सिंपल सा लॉजिक ये था। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक ट्रेन ले लीजिए, ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन को मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में क्या है, मान लीजिए कोल है, क्या है, कोल है। ट्रेन एक जंक्शन से ऐसे निकली और ट्रेन
भाई वापस ऐसे निकली, वापस चली गई ट्रेन, यहाँ से निकली वापस स्टेशन पे फिर आ गई, जहां से निकली घूम घाम के वापस चली गई। ट्रेन तो आ गया, करंट तो आ गया, इलेक्ट्रॉन तो घूम के आ गए, मगर जो कोल था अंदर, जो मटेरियल था, हमने उसको दे दिया, हमने उसको बांट दिया। तो ऐसे ही बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स में ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन लर्निज, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, बस जो कोल होता है दैट मीन्स की जो एनर्जी होती है, एक एग्जांपल ले लीजिए, जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो बल्ब ले लेता है, फैन ले लेता है, फ्रीजर लेता है, रेफ्रिजरेटर ले लेता है, टीवी ले लेता है, हर एक चीज जो है इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को एक्सेप्ट करके उसे यूज कर लेते हैं। वापस खाली ट्रेन, खाली इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता बैटरी के अंदर, सेम इसी तरीके से जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर सेंसर ऑन हो जाता है, टी 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 सुना होगा, टी खत्म। ओके थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।